भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नहीं आ रहा समझ में? बोलो। यदि इन्हें दुख कहते हो तो ये तो तुम्हारे साथ एक भी नहीं है। देखो, छेदन नहीं, भेदन नहीं, छेदन भेदन भूख प्यास, चार दुख तो ये हो गए। और निगोद वाला भी नहीं है अपने पास, एक श्वास में 18 बार मर रहे हो क्या? नहीं मर रहे। पांच दुख तो ये नहीं है, छठवा भार भी नहीं तुम्हारे ऊपर, सातवां दुख कोई गाड़ी में भी नहीं जोतता है, आठवां दुख तुम्हें ठंड में भी साला लोड़ लेते हो, है ना? और नौवां दुख तुम्हें गर्मी में भी कुछ नहीं, एसी पंखा चल जाते हैं। फिर त्रास कोई तुम्हें उधेड़ नहीं रहा, कोड़े नहीं मार रहा है, है ना? तो ये ग्यारह कितने दुख हो गए? 10, 11, चलो 11। तुम्हारा कोई बदली नहीं कर रहा, ये 12वां दुख भी नहीं है, कोई तुम्हें बंधन में भी नहीं डाला, ये 13वां दुख भी नहीं है। अब फिर क्यों दुखी हो? ये तो हमने बता दी अपने अनुभव से, बता अब तुम्हें काय का दुख है? यदि ये दुख है तो ये 12-13 दुख जो हमने गिनाए हैं, ये तुम्हारे पास है क्या? नहीं है ना? तो तुम सुखी होना चाहिए कि नहीं? बोलो। एक सांस में 18 बार भी नहीं मर रहे, मोहल्ला कह रहा कब मरोगे तो भी नहीं मर रहे, है ना? बच्चे कह रहे कब निपटोगे तो चाबी मिले तो भी नहीं मर रहे, वहां एक सांस में 18 बार मर रहे, ये वाला दुख भी तुमको नहीं है, तो फिर अब तुम दुखी क्यों? देखो, संसार में कोई भी दुख नहीं है, हमने मान रखा है, समझ में आ रहा? क्या कर रखा है? चलो इनका तो ठीक विचार भी दिख रहा है, पिटाई हो रही, अपने को कुछ नहीं हो रही ना, फिर भी अपन दुखी हैं, इसका मतलब है इनसे दुखी नहीं है, मान्यता से दुखी है। और दुख सुनना है इससे भी अच्छे मजेदार। ताहां अति संक्लेश भावते मरो घोर सुख सागर में परो, खराब भावों से मरा तो कहां गया? देखो, पशु को ये कष्ट है बेचारे को, भूख प्यास सब है, तो वो तो तड़प के ही मरेगा, है ना? अब तुम तड़प के काय मर रहे हो, तुमको सब कुछ है। बोलो मनीष, हमारी अपेक्षा नहीं, ये तो चलो संक्रेष भाव से मर के नरक गए, तुम नरक की तैयारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो संक्रेष है नहीं, तुम तो अपनी मौत से मरोगे, ये तो बिना मौत मर रहे, बेमौत मारे जा रहे, काटे जा रहे, बंद हो रहा, इनको तो संक्लेश परिणाम होंगे ही होंगे, तुम्हें तो ना कोई काट रहा ना मार रहा, तो तुम शांति से क्यों नहीं मर रहे? तुम समझ नहीं रहे, उत्तर तैयार है तुम्हारे बस, इस उत्तर से होगा क्या, कोई हल मिलेगा? ये होगा चार जनों में कि हमको आता है, बात समझो, हल चाहिए भीतर से, आपकी आवाज उठना चाहिए कि भाई ये तो संक्लेश से मरे तो ठीक है, आदमी क्यों संक्लेश से मरता, उसको तो इतने कष्ट ही नहीं है, वो संक्लेश भाव से जो मरता, आदमी क्यों तड़प तड़प के मरता है? ना उसे कोई बंधन में डाला है, ना कोई उस पर वजन डाल रहा है, ना कोई उस पर आग में रख रहा है, ना धूप में खड़ा किया है, तो फिर तू शांति से क्यों नहीं मरता, समाधि से क्यों नहीं मरता, तो तड़पता क्यों है? इनका तो समझ आता है, अभी तड़प तड़प के जो मरते संकलेश भाव से उनकी दशा क्या होती है? तहां हूं, अब नरक गया, अब नरकों के कुछ देखी, पशु के तो देख ली, तहां भूमि पर सत दुखे सो बिच्छू सहसे दसे नहीं तिसो, नरक की भूमि का स्पर्श करते ही कितना दर्द हुआ?
1000 बिच्छू, एक नहीं सर, 1000 किसी को बिच्छू काटा? बोलो एक आप कितना दर्द होता है? ज्यों ज्यों रात ढलती है त्यों त्यों जहर, और ज्यों ज्यों जहर फैलता है त्यों त्यों वेदना। तुमको काट चुका ना बाप से, बाकी लोगों को बिच्छू काटे क्या? तो तुम्हें काहे का दुख है? उन्हें तो चलो एक बार काट गए, अब तुम क्यों दुखी? तुम्हें तो बिच्छू नहीं काटा, समझ गया? सांप आप काटा? कुछ नहीं काटा, तो काहे को दुखी हो? नारकी तो इसलिए दुखी है, समझ गया? नरकों में काहे का दुख है कि वहां की भूमि स्पर्श करते छूते ही कितना करंट लगता है, जैसे ऐसा करंट लगता है। 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया, एक आध कटवा के देखना तब समझ आएगा। एक आध बिच्छू यूं करो ना, जब मारेगा ना तब समझ आएगा, है ना? कब मिला ये दुख? नरक में एंट्री होते ही, एंट्री फीस है, समझ में? नरक में जाते ही कितना कष्ट मिला? 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। किसी को मकोड़ा काटा? चिपक जाता, वो जान दे देते, निकलता नहीं, कितना दर्द होता है? ऐसे बिच्छू का तो इससे 100 गुना दर्द होता है ना? ऐसे 1000 बिच्छू ने काट लिया हो, अब बताओ तुम धरती में पैदा हुए थे तो इतना दुख मिला था? बोलो, नहीं मिला ना? थोड़े से रोए, क्या 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 माने चिपकाया, चुप हो, है ना? यहाँ तो कहते हैं कि जैसे ही जीव नरक में गिरता है ना, उछल जाता, जैसे गेंद पटकता ना बच्चा, जैसे तीन मार उछल जाता है, क्यों? दर्द होता है उसे, तो माँ के पेट से अपन जो जन्म लेते हैं उसका दर्द तो कुछ नहीं है इसके सामने। रोता है ना पैदा होते, नरक में तो क्या होता है, फुटबॉल सा उछल जाता है, तीन बार होता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, क्योंकि यहां से गया और नरक में पहुंचा। वहां तो अंधकार ही अंधकार, दिखते नहीं है कुछ आंखों, सूरज चांद तो है नहीं वहां। और जिस आप सोचो घोर अंधेरे में कोई बिच्छू काट ले, कैसा भयंकर वेदना, दिख भी कोई नहीं रहा, चिल्लाओगे कैसे? जो जो अपने थे वे तो यही रो रहे, चिता जला रहे, अपनी वहां पिटाई शुरू हो गई, ये अपनी छाती पीट रहे, तुम चले गए, तुम चले गए, वहां किया हो रहा है, देर नहीं हो रही, वहां क्या हो रहा है? बोलो। अब आते हैं लोग, हमारे दादाजी मर गए महाराज, वो हमें याद कर, का याद कर, वहां प्राणों की पड़ी, उनके पास याद करने का टाइम कहाँ है? तुम ही करते रहो यार, समझ में? वहां तो धुलाई चल रही है, तो गाजर मूली से कट रहे, खच खच खच, समझ में यार? वो तुम्हें क्या याद करें, तो तुम याद कर रहे हो मिथ्या, मेरा मान रहे, रो रहे थे। तो नरक में क्या है, बिच्छू एक साथ काट ले इतना दर्द है। अब देखो इन सब दुख को ऐसे मत पढ़ो छह डाला कि पढ़ लिए भगवान को सुना दी उड़ा दे, ये देखो जब वहां के जन्म में इतने दुख है तो हे जीव तुझे अभी तो इतने दुख नहीं है ना, तो फिर दुखी क्यों होता है? समझाओ, समझ में आओ? बस वो जैसे दुख तो नहीं है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों दुखी हो? ये बिच्छू तो काट, एक अब इतने साल के हो गए, कभी ना मैं कितने साल की 70, एक भी बिच्छू नहीं काटा, काटा नहीं, नहीं काटा, वो यहाँ एंट्री होते ही काट गए, 1000 हजारों काट गए, तो फिर अपन दुखी है कि सुखी है? फिर क्यों बोलते संसार में दुख है? बोलो है क्या दुख? मान रहे हैं, समझ में आ रहा? सारा दुख मान्यता का है और किसी चीज
का नहीं है। तो जैसा मानते हैं हम वैसे ही जानते हैं, और जैसा जानते हैं वैसे ही करते हैं। तो मिथ्या मान्यता तो ज्ञान भी कैसा हो गया मिथ्या, और ज्ञान मिथ्या तो क्रिया कैसी हो गई मिथ्या। तो सुख का काम क्या है? सम्यक मानना, सम्यक जानना, सम्यक करना, सम्यक दर्शन ज्ञान से हो गया। क्लियर हो रहा? फिर जब ये बिच्छू ना काटते ना इसको क्या हो गया? कौन घूम गई? अच्छा दीदी क्या हम समझे मैडम घूम गई इतनी बारीकी से देख रहा है सुई जैसी शायद पत्नी घूम गई सुई जैसी तो होती है पत्नी चुभने में भले कितनी माटी होती तो सुई जैसी है बिच्छू से ऐसा कोई है नहीं तुम्हारे लिए ही है तुम बुरा नहीं मानो ये भी तो ऐसे ही बिच्छू जैसे अब बिच्छू तो मेल होता है बिच्छुनी मिली मेल होती है यहाँ बिच्छू की बात करें बिच्छू काटते समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब वहां से जैसे इसको हुआ अब देखो वहां प्यास लगी भूख लगी वहां क्या दिक्कत आ रही है तहारात सोने तो बाहनी क्रम कुल कलित देह पैदा होते ही जीव को जब जलन होती है ना जब सहस बिच्छू काटने का दर्द होता है तो उस जलन में सोचता किसी पानी में जगह मिल जाए तो वहां से उठ के दौड़ के भागता है और इस नदी में कूद जाता है। और ये नदी कैसी राद सोनित बाहनी जहां पर खून और पीप बह रहा है मोबाइल निकलती फोड़े में है ना जिसको यदि बाल तोड़ हो जाए तो कितनी निकलती है ऐसी बह रही है उसमें कूद जाता है और जैसे ही कूदता तो पानी तो है नहीं लटपट लिपट जाता है पूरे उसमें जैसे मक्खी यहां कप में लिपटती है और लिपटती है तो इतने कीड़े हैं उसके अंदर कृमि कुल उसको फिर काटने लगते अभी तो बिच्छुओं से निपटा अब काय में आ गया कीड़े चीटियां एक चीटी काट ले हजारों मिकुल जिससे उसके अंग अंग को काट ले कमी कुल कले तो दे है ना उस नदी से निकल के भागता है दौड़ के क्या कहां जाऊं ये नदी समझ के कूदा था यहां तो खून पीप है और इतने असंख्यात कृमि कुल है छोटे छोटे कीड़े वो से का अपना भोजन बनाने लगते हैं वहां से उठ के भागता है तो सोचता पेड़ के नीचे थोड़ी हवा लगेगी से मर तर दुल जुत दले असी पत्र असी ज्यो देह जैसे ही जाता है पेड़ के नीचे बैठता है तो सेमर के बड़े बड़े होते ना पत्तियां वो फल चौड़ी फली जाए थी वो गिर जाती है इसके ऊपर और वो इसकी क्या कर देती है सैलेड बना देती टुकड़े टुकड़े कर देती है और करने के बाद जैसे पारा बिखरता है फिर जुड़ जाता फिर इकट्ठा मर्द आत्महत्या नहीं हो सकती वहां भोगना ही पड़ेगा